राम राम किसान भाइयों, आज गुजरात आलू के भाव में एक और जंपर देखने को मिला है। किसान भाइयों, मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटेटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 18 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार, इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के आलू के भाव के बारे में। साथ साथ में बात करेंगे गुजरात में अभी आलू के डंप कितने बचे हैं और आलू की जो कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो रही है वो उसकी पोजीशन क्या है, और साथ साथ में मंडियों में अभी कैसी आमदनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, कृपया करके वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात करेंगे कि गुजरात में कहाँ कौन से आलू में कितनी तेजी आई है। तो कृपया करके वीडियो देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज गुजरात में आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कुखराज आलू की, तो कुखराज आलू यहाँ पे किसान भाइयों 350 रुपये से लेकर 425 रुपया प्रति मन के हिसाब से, 20 किलो के हिसाब से हमारे गुजरात में 20 किलो का मन होता है। तो 350 से लेके 400 रुपया एकदम VVIP माल साइज वाला, तो 425 रुपया प्रति मन के हिसाब से, मतलब कि 875 रुपये से लेके 1050 रुपया 1060 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के गोल्डों से अभी कुखराज आलू की बिक्री हो रहा है। यहाँ पे किसान भाई देख सकते हैं हम कि पिछले हफ्ते से यहाँ पे 20 से लेके 50 रुपये तक का हमें भाव में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें किसान भाई, कुखराज आलू का जो रिजेक्शन आलू होता है जिसको हम काट बोलते हैं, छोलाट बोलते हैं गुजराती में, तो उसका रेट है 600 रुपये से लेके 650 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से। और उसकी जो कुखराज की कीरी है उसका भाव है 400 रुपये से लेके 450 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से कुखराज आलू गुजरात में। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू यहाँ पे किसान भाइयों 400 रुपये से लेकर 475 रुपया प्रति मन के हिसाब से, मतलब कि 1000 रुपये से लेके 1185 रुपया 1190 रुपये तक गुजरात में ख्याति आलू बिक्री हो रहा है। वही ख्याति आलू के छोलाट की बात करें, काट की बात करें, तो 650 रुपये से लेके 700 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही ख्याति आलू की कीरी जो है वो 400 रुपये से लेके 450 रुपया 470 रुपये तक प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही बात करें किसान भाइयों गुजरात में कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू 450 रुपये से लेके 520 रुपया प्रति मन के हिसाब से, मतलब कि 1125 रुपये से लेके 1300 रुपये तक पैकेट के हिसाब से गुजरात में कोलंबा आलू बिक्री हो रहा है। पिछले हफ्ते 1250 रुपये 1260 रुपये तक ही कोलंबा आलू बिक्री हो रहा था, इसका भाव अभी बढ़ के 1300 रुपये तक भी अभी बिक्री हो रहा है। वहीं कोलंबा आलू के छोलाट की बात करें, काट की बात करें, तो 700 रुपये से लेकर 730 रुपये 740 रुपये तक प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात में कोलंबा आलू का काट छोलाट बिक्री हो रहा है। वहीं कोलंबा आलू के कीरी की बात करें, बुल्ली की बात करें, तो 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कोलंबा आलू की कीरी बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें गुजरात में लॉकर आलू की, तो लॉकर आलू 450 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति मन के हिसाब से, वहीं पैकेट में देखें तो 1125 रुपये से लेकर 1375 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डों से लॉकर आलू बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई LR आलू की, तो LR आलू पिछले हफ्ते 20 से 22 रुपये 23 रुपये तक 20 से 22 रुपये तक बिक्री हो रहा था। वहीं अभी गुजरात में LR आलू 22 से 23 रुपये 24 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है, मतलब कि 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक 1160 रुपये तक गुजरात में LR आलू बिक्री हो रहा है पैकेट के हिसाब से। वही LR आलू का गुल्ला है उसके भाव की बात करें, तो 9 से 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मतलब कि 450 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात में LR आलू की बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई गुजरात के महत्वपूर्ण आलू किस्म बादशाह के बारे में, क्योंकि बादशाह इस साल शुरू से ही ऊपर के भाव में बिक रहा है। ये अभी मैं पिछले 6-7 साल की बात करूँ तो इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि डंप के आलू जो बादशाह आलू होता है वो ऊंचे में बिक्री होता था, लेकिन जब कोल्ड से निकासी होता स्टार्टिंग होती थी तब बादशाह आलू का इतना ज़्यादा रेट नहीं मिलता था, ख्याति के बराबर या तो कोलंबा के बराबर ही मिलता। लेकिन यहाँ पे देखो तो किसान भाई बादशाह आलू हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहा है। आज बादशाह आलू हमारे डिशा के कामधेनु कोल्ड में
2151 रुपया प्रति 80 किलो की बिल्टी के हिसाब से बिक्री हुआ है। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम किसान भाइयों कि बादशाह आलू गुजरात में 450 रुपये से लेकर 535 रुपये प्रति 20 किलो मन के हिसाब से बिक्री हो रहा है। पैकेट में देखें तो 1125 रुपये से लेकर 1340 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बादशाह आलू गुजरात में बिक्री हो रहा है। तो यहाँ पे किसान भाई देख सकते हैं कि बादशाह आलू के भाव में भी पर पैकेट 30 से 40 रुपया 50 रुपये तक का अभी उछाल देखने को मिल रहा है गुजरात में। वहीं बादशाह आलू के काट या तो छोलाट की बात करें तो 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वहीं बादशाह आलू की किरी की बात करें तो किरी 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से गुजरात में बादशाह आलू की किरी की बिक्री हो रही है। तो किसान भाइयों ये थी गुजरात के प्रमुख आलू किस्मों के भाव के बारे में जानकारी, जो गुजरात के कोल्डो से या तो डम के आलू के भाव अभी किसानों को मिल रहे उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं किसान भाइयों की गुजरात में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में आलू के भाव में कितना सुधार देखने को मिला है वो आपने देखा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस हफ्ते में गुजरात में आलू ने एक और जंप ले लिया है जो हम सब अपेक्षा कर रहे थे। हम सब चाह रहे थे कि अब आलू का जो भाव है थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो जो हम नवरात्रि की बात कर रहे थे, रमजान के खत्म होने की बात कर रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो वो अभी सत्य होता दिखाई दे रहा है कि जैसे ही रमजान महीना खत्म हुआ, नवरात्रि स्टार्ट हुई और साथ साथ में देखे तो अभी कल नवरात्रि खत्म भी हो गई और अभी इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो ये गुजरात में अभी आलू के भाव में और जम देखने को मिला है। तो यहाँ पे किसान भाई हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब गुजरात से आलू में ये भाव में थोड़ा जंप आया है, मतलब उछाल आया है, तो बाकी के राज्यों में भी आलू के भाव में अपने को 2 या 3 दिन में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की गुजरात में जो डंप वाला आलू कितना बचा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि गुजरात में डंप आलू अब खत्म होने की कगार पे है, मतलब कई एक दो 5% बचा होगा तो वो भी इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और जो बीजापुर और लाडोर की तरफ जो आलू की जो खुदाई बची थी या तो डंप बचे थे वो भी अभी इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, मतलब अप्रैल में पूरा डंप का आलू गुजरात में ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी स्पष्ट हो गया है। और गुजरात के अलावा देखें तो यूपी में भी या तो फिर पंजाब की बात करें या तो बंगाल की बात करें तो वहाँ भी आलू के डंप इस हफ्ते में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पूरी जो निकासी है आलू की जो आपूर्ति है मंडियों में वो कोल्डो से ही होनी है। तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है और ये आने वाले समय में हमें आलू के भाव में कुछ चढ़ाव मतलब उछाल देखने को और भी मिल सकता है उसके कारण। अब बात करते हैं किसान भाइयों की आलू के भाव में सुधार होने के साथ साथ में आलू की जो डिमांड होती है मंडियों से वो बरकरार रहनी चाहिए या तो बढ़ती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे किसान भाई दिखा बता दे आपको कि हमारी जो गुजरात की बात करें तो प्रमुख 3 मंडियाँ हैं, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट। तो सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में ज़्यादा आमदनी होने पर भी आलू के भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आलू मंडियों में जो आलू की जो डिमांड है वो अच्छी है, क्योंकि जब आलू की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से अगर आलू की आपूर्ति होती है तब जाके ही आलू के भाव या तो स्थिर रहते हैं या तो ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसान भाइयों पिछले हफ्ते से इस साल आलू की इस हफ्ते में आलू की मंडियों में आमदनी बढ़ी है, साथ साथ मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो साथ साथ में फिर भी आलू की जो भाव है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मंडियों से जो आढ़तिया भाई है उनका कोल्ड स्टोरेज से आलू की डिमांड करना यही आलू के भाव के बारे में और आने वाले समय में आलू के कैसा भाव रहेगा उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि जब मंडियों से जब आलू की जो डिमांड होती है वो आलू की जो ग्राहकी होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। जब मान लीजिए सूरत में 70 गाड़ी आने के बाद भी भाव में उछाल देखने को मिल रहा है और बैलेंस कम बच रहा है, या तो अहमदाबाद में भी यही पोजीशन है, तो अगले दिन आलू की और डिमांड हो सकती है, ये हम सब समझ सकते हैं अच्छी तरह पे। तो ये जो आलू मंडियों में डिमांड है वो बरकरार है या तो बढ़ती जा रही है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
और साथ साथ में किशन भाई यहाँ पे देखे तो अभी तक जो मार्च एंडिंग और अप्रैल अभी 18 तारीख हुआ है वहां तक जो आलू की जो कोल्डो से निकासी हुई है वो एक समझने वाली बात है कि ये जो आलू की जो जितनी भी निकासी हुई या तो अप्रैल एंड तक जो भी निकासी होगी कोल्डो से पूरे भारत में जहाँ भी कोल्ड का भंडारण होता है वहां से तो देखें तो जितने आलू के डंप कम लगे थे गुजरात में चाहे वो यूपी में हो चाहे वो बंगाल में हो चाहे एमपी में हो चाहे पंजाब में हो, तो जितना आलू का जो आलू डंप में कम लगा था उतनी ही निकासी यहाँ पे हुई है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल की तो मुकाबले देखें तो जो अप्रैल से निकासी होना उसमें जो डंप का आलू जितना कम था वो आलू की निकासी हुआ, मतलब कि पिछले साल इतना डंप लगा था कि अप्रैल में कोल्डो से आलू की निकासी हो ही नहीं पाई थी। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, बंगाल या तो पंजाब या तो फिर यूपी की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए किसान भाइयों के 1 महीना पहले गुजरात में कोल्ड खुल गई, यूपी में 1 से 1.5 महीना पहले खुल गई और बंगाल में तो मान सकते हैं 1.5 से 2 महीना पहले कोल्ड खुल गई। तो ये जो अप्रैल और मई में जो निकासी होगी उसमें जो निकासी देखने को मिलेगी वो जितना आलू का जो डंप कम लगा था वही है, उसी की आपूर्ति करने के लिए ही ये निकासी हुई है। तो समझिए कि पहले तो कोल्ड में 10 मान लीजिए कम से कम 10 से 15% कम आलू का भंडारण हुआ है और अभी जो अप्रैल और मई के 15 तारीख तक का जो निकासी होगा वो आलू की जो कम डंप लगे थे उसके हिसाब से हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि 1 महीने की निकासी ये और 1 महीने की जो निकासी होनी चाहिए इतना कम आलू लगा है, तो 2 महीने का यहाँ जो निकासी होगा इतना आलू का जो कम भंडारण हुआ है ये हम समझ सकते हैं, ये बात हमें हम सबको समझ में आ सकती है। तो यही यही जो डिफरेंस है वो आगे जाके हमें आलू के भाव में तेजी में परिवर्तित देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे किसान भी एक बार फिर आपको बता दूं कि हमें आलू की निकासी निरंतर करते रहनी चाहिए, हर भाव में आलू बेचने की कोशिश करते रहने चाहिए, तब जाके ये हम आगे जाके अपना जो भंडारित किया हुआ आलू में से 50% या तो 40% आलू में हम और ज़्यादा तेजी की ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे किशन भाइयों 2-3 दिन से मैं वीडियो आपके समक्ष नहीं ला पाया क्योंकि मेरा थोड़ा जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ा हुआ था उसकी वजह से, तो अभी से लगातार आपके तरह सामने मैं वीडियो लेके चैनल पे लेके आऊँगा और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।